नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मखदूमी, मेरी तरफ से आप सभी को शुमी। तो आज की स्ट्रीम स्टार्ट करने से पहले एक शायरी पेश करना चाहूंगा। तो अर्ज किया है, पूरा खिलाऊंगा समोसा, ध्यान से सुनिएगा जी, पूरा खिलाऊंगा समोसा, नहीं खिलाऊंगा आधा। आहा, पूरा खिलाऊंगा समोसा, नहीं खिलाऊंगा आधा, बहुत प्यार करते हैं तुमसे मेरी राधा। और गाइस क्या चल रहा है तुम लोगों का जिंदगी में, व्हाट्स अप भैया? दसवीं के बोर्ड्स है, बहुत ज्यादा डर लग रहा है। अरे यार, बोर्ड एग्जाम ही तो है, टेंशन नहीं लेने का, एकदम आराम से चिल होके बिना किसी टेंशन के तो बहुत इजीली हो जाएगा, तो डोंट टेक स्ट्रेस गाइस। अरे 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 केशव मेरे भाई, यार गेम्स और कंटेंट बनाना भी इज नॉट इजी, मतलब उसमें भी डिसिप्लिन चाहिए होता है, मेहनत तो लगती है उसमें भी। बाकी तू टेंशन मत ले मेरे भाई, आई अंडरस्टैंड योर प्रेशर, बट पढ़ाई कर आराम से बिना किसी टेंशन के, हो जाएगा सब ठीक। इट्स अ फेज, निकल जाएगा। अरे 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 मोरी मैया, इतना स्ट्रेस, इतना प्रेशर, शांत हो जाओ सब लोग। पूरी चैट में भाई दसवीं के बच्चे तो ऐसे इतना दुख दर्द। सुनो, आई हैव बीन देयर, डन दैट, सो ट्रस्ट मी, एक टाइम टेबल बनाओ, स्केड्यूल के हिसाब से पढ़ो एंड फाड़ दो भाई, एग्जाम्स में आग लगा दो। और वैसे भी अ सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर, एल्बर्ट न्यूटन बाबा ने बोला है, यानी कि मैं। सो रिलैक्स बॉयज, केशव भाई ने सुपर चैट करी है, आप दसवीं के एग्जाम्स क्यों देते हैं फिर से यहाँ पे? भाई केशव मेरे भाई, तूने इतनी बड़ी सुपर चैट कर दी, देख भाई मैं एग्जाम तो देने से रहा वापस, तू क्यों अपने फालतू में पैसे वेस्ट कर रहा है भाई, इससे अच्छा जाके तू पढ़ाई कर ले। और मतलब मेरे को सुपर चैट करने से तो कुछ होने नहीं वाला, तू पढ़ लेगा तो तेरा ही कुछ भला हो जाएगा। वैसे भी ट्रस्ट मी ब्रो, ईजी होता है दसवीं का एग्जाम, आराम से होगा, तो जाओ पढ़ो। इमोशनल डैमेज, अब ये बात तो हम सारे दसी वालों के ईमान पर आ गई है, और हम तो ऐसे चुप रहने वाले नहीं, तो ऐसे कैसे जाओगे अब यहाँ से भैया? मामे दूध दे दो मामे। राजा बेटा, आंटी बाहर गई हैं। अबे तू कब आया, कम से कम टेक्स्ट या कॉल तो कर देता। अरे मैं भी हूँ यहाँ, जल्दी कर, सो क्यों रहा है? आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ। आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ ब्रिगेड इंसान भैया, एंड मैं निश्चय भैया की अपने पूरे दिल से इज्जत भी करता हूँ, लेकिन जो कल उन्होंने अपनी स्ट्रीम में बोला, विल दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल। उन्होंने जो 10th के एग्जाम्स के बारे में, 10वीं के एग्जाम्स के बारे में बोला, नहीं हम नहीं सहेंगे भैया। आपको क्या लगता है ये सब बच्चों का खेल है? नहीं भैया, आप ऐसे हमको ऐसे बोल के नहीं जा सकते। हम चाहते हैं कि आप या तो हमसे पब्लिकली अपोलोजाइज करें, क्योंकि भैया ये सब एक्सेप्टेबल नहीं है, या तो आप पब्लिकली अपोलोजाइज करो, या तो आप अपने आप को हमारे शूज में डालो, आप 10वीं के एग्जाम्स दो। ये सही है, आप 10वीं के एग्जाम दो, हमारे साथ बैठ के एग्जाम दो, तब आपको पता चलेगा कि ये बच्चों का खेल नहीं है, इसमें भी पूरी मेहनत लगती है, जैसे आप गेमिंग में, ठीक है? एंड गाइस, इस वीडियो को दबा के शेयर करेंगे, सबको दिखाएंगे, और हाँ शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि आपका शेयर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, इज ट्रिगर्ड इंसान फाइनली गोइंग टू गिव हिज 10th एग्जाम्स अगेन? हैशटैग अब रिप्लाई भी कर दो। गेम्स खेलते खेलते निश्चय भैया ने पूरी लाइफ को ही गेम समझ लिया है। इट्स टाइम दैट दे अंडरस्टैंड आवर पेन। इमोशनल डैमेज, प्रो मैक्स अल्ट्रा प्लस प्लस हो गया ये तो। यार ये 10वीं के लड़के ने तो मेरे को कहीं का भी नहीं छोड़ा, वो भी एग्जाम्स के लिए। अब तो कुछ करना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। इट्स आइदर माय वे और हाईवे। आजकल के बच्चे, इनको लगता है कि 10वीं के एग्जाम क्या दे दिए, इन्होंने जिंदगी में कुछ बहुत ही ज्यादा क्रेजी कर लिया है, लेकिन इनकी भी गलती रही है। सभी को लगता है कि घनघोर कलयुग में उनके जीवन की समस्याएं सबसे बड़ी कठिनाई है, और इसीलिए ये गलतफहमी दूर करने के लिए आई हैव डिसाइडेड कि मैं 10वीं के एग्जाम्स दूंगा।
और सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे ये तो पंडर लोग भी देंगे। सिंपल है बॉस, मैथ्स एग्जाम। मैथ्स एग्जाम तो सबको सबसे मुश्किल लगता है ना, तो जगह तेरी, टाइम तेरा, मैथ्स एग्जाम मेरा। आप बस बताइए, मैं पहुंच जाऊंगा वहां पे पेपर देने, और मैं ही नहीं, सारे बूमर लोग भी आएंगे। बोलो बूमर लोगो, बूम बूम बूमर, बूम बूम बूमर। अबे ट्रिगू नहीं, ट्रिग्नोमेट्री देंगे। आप बस जगह बताइए, टाइम बताइए, हम पहुंच जाएंगे, क्योंकि पार्टी असली होने वाली है। मौसम बड़ा बेईमान है। अभी तूने क्या सोच के बच्चों को चैलेंज दे दिया? क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? अबे ये कुछ क्या नहीं हुआ भाई, तू खुद तो फंसा, तूने हमें भी साथ में फंसा लिया यार। अबे अच्छे अच्छे है, कम से कम एक महीना तो दिया पूरा सिलेबस रिवाइज करने के लिए। एक महीना? एक महीना? अभी तुझे पता है एक महीना कैसे निकल गया? नहीं, आधा महीना तो ये सोच सोच के निकल गया कि अभी टाइम है, अभी टाइम है, पढ़ लूंगी। और भाई तूने सब्जेक्ट भी मैथ्स चूज किया है। मेरा फेवरेट है। अरे तो फेवरेट है तो हमारी भी तो सोच, इंग्लिश चूज कर लेता, हिंदी चूज कर लेता, मैथ्स। अब पता है तुझे क्या होगा, घर वाले ना दोबारा दसवीं फेल का टैग लगा देंगे। The tables have turned. I hope कि आप सब ने अपनी अपनी preparations तो कर ही ली होगी, क्योंकि आप लोगों को पूरा एक महीने का time दिया गया था, and आप सबके हिसाब से तो students के लिए एक महीना बहुत ज़्यादा होता है। तो let's see कि आप इस एक महीने की preparations से कैसा result आते हैं। So, you may start. And हाँ, please don't forget that failure is not an option. It never was. पढ़ पढ़ के आर्यभट्टा बन चुका हूँ, क्या ही आएगा वैसा जो मुझे ना आता हो। आर्यभट्टा बनने चले थे और आर्यभट्टा का तोहफा मिल गया। हे भगवान बचा ले मुझे। हर्ष, कम इन हर्ष, लुक एट मी ब्रो, अगर तू मेरा सच्चा दोस्त है तो तू पलटेगा। पलट ए पलट, ए पलट पलट यार, भाड़ में जा। मैंने उसे इतना देखा, इतना देखा, इतना देखा जितना देखा जा सकता हूं, लेकिन फिर भी एक इंसान अपनी आंखों से अपनी बर्बादी कितनी ही देख सकता है। आपको पाल रहा था, कुछ नहीं पढ़ा ब्रो, कुछ नहीं पढ़ा ब्रो करके टॉप मारने वाली है। अब क्या करूं, पास भी तो होना है, इसी से ही पूछ लेता हूं। थर्ड के फर्स्ट का, अबे थर्ड के फर्स्ट का। ट्रिगु वार्निंग, ये आपका गेम नहीं चल रहा यहाँ पे, अगर आप चीटिंग करते पकड़े गए तो रीसेट नहीं कर सकते। फोकस। डोंट वरी सर, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, वैसे भी इस दसवीं ने बहुत कुछ सिखा दिया जिंदगी में, ये तो सिर्फ एक एग्जाम है। कैरन है। एंड वी आर लाइव। Hello, hello, hello,
अक्षित, हेलो स्वाति, हेलो हेलो, आ जाओ गाइस, वेलकम 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 टू द स्ट्रीम. कॉन्ग्रेचुलेशंस भैया, कॉन्ग्रेट्स, थैंक यू, ऑब्वियसली थैंक यू बॉयज एंड गर्ल्स, ऑब्वियसली ये तो होना ही था. तारा भाई ट्रिगो इतनी पढ़ाई करेगा किसी ने सोची नहीं होगी, पेपर तो पास हो ही जाएंगे. बट देखो एक थोड़ा सा ऐसा इमो टॉक्स करने का टाइम आया, तो थोड़ा सा सह लेना. मैं अभी भी यही बात बोलूंगा कि कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, बोर्ड एग्जाम्स हो या कोई भी इन जनरल एग्जाम्स हो, कितना भी टफ क्यों ना हो, पर इम्पॉसिबल बिल्कुल नहीं होता यार. मतलब एग्जाम है तो पास तो होने के लिए ही बना है ना वो एग्जाम, तो इम्पॉसिबल तो बिल्कुल नहीं होता. बट यू नो व्हाट, एग्जाम से ज्यादा मुश्किल क्या होता है, उसका वो प्रेपरेशन पीरियड जिसमें रोज तुम्हारे अंदर डाउट्स एंड इनसिक्योरिटीज आती हैं, मेरे हिसाब से वो वाला पार्ट सबसे टफ है. बट आई हैव टू एडमिट, आई एम सॉरी, मुझे बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए था कि जो प्रेशर है वो ईजी है. इट इज नॉट एट ऑल ईजी, एक महीने में मुझे पता चल गया. एंड ऑल्सो ट्रस्ट मी, एंड में इट ऑल गेट्स फाइन, इट्स जस्ट एन एग्जाम. तुम्हारी लाइफ ऐसा उस पर डिपेंड नहीं करती है, सो टेक इट ईजी. बट हाँ, इस दसवीं ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया. इट वॉज अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर मी. एंड या काफी ज्यादा मैंने ज्ञान की बातें यहाँ पे कर दी है. दिस इज योर बॉय निश्चय AKA संदीप महेश्वरी लाइट साइनिंग आउट. थैंक्स फॉर वॉचिंग. हे गाइस, तो मैंने तो अपने 10वीं के एग्जाम दिए और काफी इंटरेस्टिंग था जैसा कि आपने वीडियो में देखा. बट 7 अप्रैल को अभिषेक बच्चन जी जो है वो भी 10वीं के एग्जाम देने वाले हैं नेटफ्लिक्स पे, जिसके ट्रेलर के कुछ छोटे छोटे अमेजिंग से क्लिप्स आइए देखते हैं हम साथ में. तो आज सुबह की सबसे बड़ी खबर ये आ रही है. आई लाइक द एक्सेंट, आई लाइक द वॉक. अरे यूके बड़ा कोरी भाई, इतना पढ़े यामी गौतम, 8वीं तक, 8वीं पास के लिए क्या क्या काम है आपके रजिस्टर में? डैम, दैट वाज रूड. अब क्या करना चाहते हो? एक पुराना सपना पूरा करने आया हूँ. कौन सा वाला बाकी रह गया? 10वीं का. 10वीं, बस बस दूसरा अटैक आ गया तो 10वीं की जगह 13वीं हो जाएगी. जरूरी नहीं राजनीति की समझ रखने वाला 10वीं पास करने की भी समझ रखता हो. पढ़ा लिखा जाट, 16 दुनी आठ, सो डोंट बी स्मार्ट. पढ़ा लिखा जाट, 16 दुनी आठ, सो डोंट बी स्मार्ट. चौधरी का कत्ल कभी कटा है ना कभी कटा. ये तो मकदमी की चुम्मी जैसा राइम हो गया. इसकी पैसे वॉइस क्या होगी? The ball was hit for a six by the batsman. अरे क्या बात है? रणवीर loves दीपिका. Everybody loves दीपिका. I wonder रणवीर loves दीपिका की पैसे वॉइस क्या होगी? दीपिका is loved by रणवीर. I hope that was right. Do tell me in the comments and check out Dasvi on Netflix 7th April को. I'll see you guys in the next video. Thanks for watching.